संभल में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जय श्री राम को लेकर एक बयान दिया है जिस पर सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने केवल 10 सेकंड का वीडियो शेयर करके राशिद अल्वी पर हिंदू विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है, लेकिन राशिद अल्वी ने आरोपों से इनकार कर दिया है। दरअसल संभल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि इन दिनों जय श्री राम बोलने वाले कुछ लोग संत नहीं बल्कि राक्षस हैं। इस बयान से पहले राशिद अल्वी ने रामायण के उस प्रसंग का जिक्र किया जब संजीवनी बूटी लेने गए हनुमान जी हिमाचल जा रहे थे और संत के वेश में एक राक्षस ने उन्हें रोकने का मायाजाल रचा था। राम राज्य कैसा होगा? राम राज्य में नफरत की कोई जगह नहीं होगी। तुलसीदास जी ने कहा है कि बकरी और शेर एक धाम पे पानी पीते थे। उस राज्य के अंदर नफरत कैसे हो सकती है? लेकिन आजकल कुछ लोग देश के लोगों को जय श्री राम का नारा लगा के गुमराह भी करते हैं। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए। मैं अपनी बात लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन रामायण में आता है कि जब लक्ष्मण जी की हालत खराब होती है और कहा जाता है कि संजीवनी बूटी सूरज निकलने से पहले आनी चाहिए वरना जिंदगी बचना मुश्किल है, तो हनुमान जी की जिम्मेदारी लगाई जाती है। जाइए संजीवनी बूटी लेके आइए हिमालय पहाड़ से। उधर रावण एक राक्षस को संत बना के भेज देता, उसे तो वक्त खराब करना था कि सवेरे से पहले संजीवनी बूटी आनी नहीं चाहिए। हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते, हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो, बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। यह अलहदा बात है आचार्य जी, आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता हनुमान जी अभी नहीं आया, वो आज उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी, वो अप्सरा बन जाती और वो हनुमान जी से कहती है हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर, और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है मुनि नहीं ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, होशियार रहने की जरूरत है। और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुनाहगारों आपकी रिसर्च को सलाम, आपकी स्टडी को सलाम। गुनाहगारों पुराणों में जो आपने कहा ये पुराणों के अंदर है। जोरदार राशिद अल्वी साहब का स्वागत दोबारा से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।